हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक ही होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्नैक जो कि बनता है सूजी और आलू से, सिर्फ दो ही चीजों से जो कि घर में सूजी हमेशा होती है तो और आलू भी हमेशा होते हैं। तो आलू और सूजी से ऐसा स्नैक बनेगा कि जो आप भी घर में ट्राई करो और बहुत टेस्टी बनता है और अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी इजीली दे सकते हो, जो कि कम ऑयल से और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1.5 कटोरी डालेंगे पानी, 1 कटोरी और ये आधी कटोरी। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी उसी से ही सेम वही कटोरी है जिस कटोरी से मैंने पानी लिया है, उस कटोरी से 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी में 1.5 कटोरी पानी। और यहां मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। तो इसको हम सबसे पहले, जब तक यहाँ पानी गर्म हो रहा है, हम आलू भी साथ साथ ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ हमने उबले हुए आलू ही लेने, कच्चे आलू नहीं लेने। तो फटाफट से हम यहाँ आलू ग्रेट कर लेते हैं। आलू ग्रेट हो चुके हैं और पानी भी उबल चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच नमक, और हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप दूसरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट ये जरा देखने में जब बनते हैं तो सुंदर लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। अगर आपके पास साबुत मिर्च है तो मिक्सी में आप उसको दरदरा पीस लोगे तो वो भी यही बन जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी, और सूजी को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे जब तक ये इसका अच्छा सा एक डो ना बन जाए। जैसे आटा होता है, आटा इकट्ठा बाइंड हो जाता है, उसी हिसाब से हमने इसका एक डो बनाना है। देखिए, और इसके साथ में ही हम डाल देंगे इसमें आलू, भी साथ साथ डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और इसको नॉनस्टिक में बनाइए, नहीं तो दूसरी में चिपक जाता है थोड़ा। देखिए, अच्छा सा ये एक आटे की तरह एक डो फॉर्म पे आ चुका है। अब हम इसको इकट्ठा अच्छे से करते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे। जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको एक प्लेट में सेट करेंगे। इस प्लेट में जिसमें भी आपको सेट करना हो उसमें हल्का सा तेल ऑयल डाल के और इसको अच्छे से थाली को पूरी ग्रीस कर लो ताकि वो उतरने में आसानी हो जाए। अभी इसको हम एक थाली पे सेट करेंगे। बस इसको अच्छे से फैलाएंगे। इसको मैंने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट कर दिया है। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप किसी कटोरी से भी, जैसे कटोरी की बैक साइड होती है या ग्लास की बैक साइड होती है, तो उससे अच्छा सा ये एक जैसे सेट हो जाता है। बस अब हम इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जैसे ठंडा होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, तो इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं, फिर कटिंग करके हम इसको शर्फ फ्राई करें। बिल्कुल देखिए, अच्छे से सेट हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें आपको जिस भी शेप में काटना है आप उसको उस शेप में काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर काटते हैं वर्टिकल लाइंस बनानी है। मैं इसको यहाँ पर बर्फी की शेप में काटूंगी, जैसे एक बार यहाँ कर दिए और एक बारी, और पीसेस थोड़े से बड़े करने हैं। मैंने थोड़े से बड़े पीस लिए क्योंकि मैं बीच में भी एक कट और करूंगी इसको, ये देखिए। और थोड़े इसके अभी मैं दिखाती हूँ आपको, उठा के एक एक पीस करके, ये देखिए, ये अलग नहीं, ये रहा, ये देखिए, इसकी मोटाई भी अच्छी है ताकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे तो अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। अगर पतले रखेंगे तो जल्दी से वो हो जाएंगे पतले से, जैसे ज्यादा वो फ्राई नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसका थोड़ा सा हमने इसको मोटे रखे हैं। और मैं इसको ट्रायंगल शेप में लूंगी। मैंने पहले इसको ऐसे बर्फी स्टाइल में करके और यहां से बीच से कट कर दिए हैं, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। तो आप भी जिस शेप में रखना चाहें उसको रख सकते हैं।
ऑयल भी साथ साथ हाँ, गरम हो चुका है, इसको मैंने अभी लो फ्लेम पे किया है। अभी बाकी और कट करने हैं ना। चलो कट कर लो पहले। हाँ फिर दिखाती हूँ। मेरे को जितने यहाँ चाहिए थे मैंने उतने कट कर लिए हैं, और बाकी मैं किसी डब्बे में इसको डाल के फ्रिज में रख दूंगी। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको कभी भी चाहिए आप 2 घंटे पहले भी इसको बना के रख सकते हैं, या वैसे भी आप 1 दिन 2 दिन भी फ्रिज में रखोगे खराब नहीं होंगे। और जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करके, शैलो फ्राई करके या आप डीप फ्राई कर लो, जैसे आपका दिल करे आप इसको वैसे बना सकते हो। तो मैं यहां पर कर रही हूं इसको शैलो फ्राई। ये देखिए, तो यहां मैंने एक बार में ही इतने रख दिए हैं और मुझे इतने ही चाहिए, बाकी मैं इसको कल बनाऊंगी। अब हम एक साइड से मुझे लग रहा है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं पलट के। तो हाँ, एक साइड से तो देखो सिक चुके हैं, अब सेम ऐसे हमें दूसरे साइड भी सेकने हैं। देखिए अच्छा सा कलर इनमें आ चुका है, देखिए इसमें तो अच्छा ही आ गया बहुत। देखिए बिल्कुल अच्छा सा कलर इस पे चारों साइड से देखिए इक्वल आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल, देखिए इसको मैं एक एक करके निकालती हूँ जो जो उनसे अच्छे से। एक ये भी फ्राई हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये हल्का सा रह गया, हो गया लगभग वही, फिर वो सड़ने वाला हो जाएगा, लाल तो वही गए। देखिए भी हो गया, देखिए कितने क्रिस्प बने हैं। अगर एक चम्मच से भी मैं ऐसे, ये देखो इसकी आवाज सुनो, आवाज से ही बिल्कुल क्रिस्प है और करारे बने हैं बिल्कुल। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना, बिल्कुल समोसा कचौड़ी आप लोग सब भूल जाएंगे, क्योंकि इतने चटपटे और ये करारे बनते हैं कि आपका दिल करेगा। और सूजी तो हर घर में होती है, सूजी और आलू भी उबलते ही हैं, तो जिस दिन देखो आप आलू उबले पड़े हैं तो आप ये रेसिपी फौरन बना सकते हो। देखिए देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं। और यहाँ मैंने स्टोर करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा नहीं बनाने थे तो ये मैं स्टोर करके रख दिए हैं, जब भी दिल होगा हम इसको दोबारा से बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं हम आपको न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।